जैन, मैंने तुम्हारा सारा सामान निकाल दिया, कुछ और पैक करना है तो मुझे बता दो प्लीज। 2 घंटे में मैं ऑफिस से आ जाऊंगा। बाकी चीजें तुम रख लो, कुछ जरूरी लगा तो वो मैं रख लूंगा। सामान तो मैं रख दूंगी, पर आज से तुम्हारे किसी मामले में मैं दखल नहीं दूंगी। अच्छी बात है। जी सर जी, या आई एम ऑन माई वे। Listen, you tell those guys that it's really important to bring the actual man from them. Hello? Hello? जी आपने जो टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप काइंडली उसको रिसीव कर लीजिए। जी मैं आ जाती हूँ। जी थैंक यू। शुक्रिया। सैन को बताऊं या ना बताऊं? बता दिया तो और गुस्सा हो जाएगा कि टेस्ट क्यों करवाए। आएगा तो तभी बता दूंगी बस। आपका कोट। अरे वाह, थैंक यू सो मच यार। वैसे मधु सुनो, व्हाई डोंट यू गो टू सबूहीज? मैं? भाई हाँ, जब तुम अकेली थी उसने भी तो तुम्हारा इतना ख्याल रखा है। आई थिंक इट्स टाइम टू रिपे द फेवर नाउ। हाँ लेकिन आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप मेरी फिक्र छोड़ें, मुझे अकेले रहने की आदत है। वैसे भी सर्वेंट्स वगैरह हैं, काम हो जाएगा सारा का सारा। हाँ लेकिन मैं तो परेशान रहूंगी ना। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं भाई, वो तुम्हारी बहन है, उसका भी हक है तुम पर। अब जल्दी करो, आई हैव टू लीव। बाय। आज आपकी सिस्टर आपके साथ नहीं आई? जी वो जरा मसरूफ थी आज की। जिस तरह की आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे लगा कि आपकी सिस्टर को भी आपके साथ मौजूद होना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या है रिपोर्ट्स में? आप खुद एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हैं और आप खुद यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आप टेस्ट करवाने के लिए आई हैं। मुझे लगा कि आप अपनी सिस्टर से कुछ छुपा रही हैं। क्या मैं कोई पिल्स ले रही? मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कभी कोई पिल नहीं ली। एज अ डॉक्टर मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है तो फिर वो आपकी मर्जी। मैं कोई पिल नहीं ले रही। आई यू श्योर? मेरी रिपोर्ट से आप एक दफा प्लीज दोबारा चेक कर लें, क्योंकि मैंने कभी कोई पिल नहीं ली। देखिए सबोई, ऐसा हो नहीं सकता, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कोई पिल्स नहीं लेती। तो फिर यकीनन आपको कोई ना कोई ये दवाइयाँ खिला रहा है।